नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। ये एप्सन का जो न्यू मॉडल सीरीज़ का प्रिंटर है, सेम एकदम वैसा ही है। चाहे 3100 हो, चाहे 3200 हो, चाहे 3000 सीरीज़ का हो, सब में सब कुछ लगभग सेम ही है, सिर्फ मदरबोर्ड और हेड को छोड़ के। तो इसमें हम पिकअप रोलर कैसे रिप्लेस करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे टाइप का रिकॉर्ड हो गया है, तो उतना मैनेज कर लीजिएगा। अब मैं आपको गाइड कर लूँगा वीडियो में आगे। स्टार्टिंग इसका यही है, सामने का दो स्क्रू निकालते हैं, लेफ्ट पैनल निकालेंगे। यहाँ पे कंट्रोल पैनल का ये वाला पहले वाला केबल है, उसके बाद में सीसीडी का केबल है, और फिर ये मोटर का केबल है। केबल्स को आराम से निकालिए और आराम से वापस से उसमें अटैच कीजिए, क्योंकि अगर उसके पॉइंट्स इधर उधर हो जाएंगे ना, तो फिर कोई भी एरर आ सकता है। स्कैनर का होगा तो स्कैनर का आएगा, मोटर का होगा या फिर पैनल का होगा तो बटन नहीं काम करेगा, तो ये ध्यान रखिए। ओके, जब ये निकाल लेते हैं उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक फ्लैप होता है। मैंने ना ऑलरेडी, मैं वही बताया ना वीडियो में कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक्चुअली पहला पार्ट डिलीट हो गया थोड़ा सा। तो इसको कैसे निकालना है अभी मैं आपको समझा दूँगा। ये इसका बड़ा वाला रोलर है और एक छोटा वाला रोलर जो अभी आपने देखा निकालने के लिए, बहुत आसानी से निकल जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगता अब इसको निकालने के लिए। बस एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। इसका एक फ्लैप होता है, जैसे एप्सन 380 में था फ्लैप, वैसे इसमें भी फ्लैप होता है। इसमें दो स्प्रिंग लगी रहती है छोटी छोटी, उसमें एक स्प्रिंग था बड़ा सा, और उसके साइड के लॉक है ना बहुत हल्के थे। तो ये वाला छोटा वाला जो रोलर है, सेपरेशन रोलर है, सिंगल पेपर को जैसे सिंगल सिंगल करने के लिए, और मतलब पेपर पिकअप में इसका भी उतना ही काम है जितना कि बड़े वाले रोलर का। अगर ये भी गड़बड़ रहेगा तो चलने वाला नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप दोनों रोलर एक साथ डालें, ताकि कुछ दिन तक प्रिंटर चल जाए, कोई दिक्कत ना आए। जैसे आप एक रोलर लगाएंगे तो 1 महीना 15 दिन चलेगा, उसके बाद फिर दिक्कत आ जाएगी। उससे अच्छा पूरा सेट डाल दो और 5-6 महीने के लिए छुट्टी। आपको पिकअप रोलर ऑनलाइन मिल जाएगा, शॉप से भी ले सकते हैं, मार्केट एरिया में रहते हैं वहाँ से ले सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे रेट होगा। ये इसका स्प्रिंग है जो कि छोटे वाले रोलर में लगता है। ये बहुत अतरंगी टाइप का दिया है, क्योंकि इसको हम बिना खोले लगा नहीं सकते, अगर लगाएंगे ना तो फिर स्प्रिंग बेकार हो जाएगी, उसका जो स्प्रिंग का लेंथ है ना बढ़ जाता है, तो वो काम नहीं करता है। इसके लिए अपने को ये खोलना ही पड़ता है। तो ऐसे आप ट्वीज़र में पकड़ लीजिए या तो फिर प्लायर से, क्योंकि थोड़ा मुश्किल टाइप सा लगता है, एक बार एक साइड में फंसाएंगे नहीं फिर हाथ से निकल जाता है। समझ गए, ऐसे ही करना है। और फिर इसको एक बार देख लेना है कि अपनी तरफ में रोटेट हो रहा है कि रोलर या नहीं। कभी कभी गलत रोलर भी मिल जाते हैं अपने को, जो कि सामने की तरफ रोटेट होते तो फिर चलता नहीं है। ये इसका फ्लैप है, इसमें नीचे देखिए आप दो स्प्रिंग दिख रहा है आपको, नीचे हल्के में ऐसे हल्का हल्का ना बना हुआ है प्लास्टिक का, जिसके अंदर वो स्प्रिंग को फंसा देना है ऐसे, वो देखिए वहाँ पर, और वापस से इसको ऐसे सामने से प्रेस कर देना है पीछे की तरफ, और सेम कंडीशन में निकालना भी है। राइट में आप देख सकते हैं दो लॉक है, अभी दिखा रहा हूँ मैं होल जो कि है, अभी इस टाइम पे तो ऐसे जस्ट प्रेस करके दबा देंगे चला जाएगा, ये देखिए। और निकालने के टाइम पे ना ट्वीज़र से अपने को बाहर की तरफ फैलाना रहता है और फिर ये निकल जाएगा, बस इतना ही है, जो कि नहीं था। ओके, और इसके बाद में हल्का सा इसको अप डाउन करके देख लीजिए प्रॉपर ये प्रेस हो रहा है या नहीं, क्योंकि जितनी बार रोलर पेपर रोलर रोटेट होगा पेपर पिकअप करने के लिए, उतनी बार फ्लैप अप डाउन होना चाहिए। फ्लैप अप डाउन नहीं होगा तो फिर पेपर पिकअप प्रॉपर करने वाला नहीं है। अब आती है बारी बड़े वाले रोलर को लगाने के लिए। इसमें आप देख लीजिए राइट में अगर आप थोड़ा सा ग्रीस या फिर वैसलीन लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, इससे ये होगा कि रोटेशन आपका ना प्रॉपर होगा और जैसे जाम वाम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रोलर लगाने के टाइम पे हमेशा आपको अपनी तरफ में रोलर घुमाना है और फ्लैप को सामने की तरफ दबा के रखना है, और एक और है छोटा सा प्लास्टिक उसको भी दबा के रखना है,
और यहाँ पे दो लॉक है ना बाहर की तरफ निकलते हैं, वो हमेशा देख लीजिए कि वो बाहर की तरफ आ गया या नहीं है, तो नहीं तो फिर रोलर है ना प्रॉपर रोटेट नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट फिटिंग हो जाएगी। फिर सामने की तरफ से तो कैप लगता है, बाहर तो निकलेगा नहीं रोलर, लेकिन इजी नहीं रहेगा, सॉरी। और एंड में ही ग्रीस लगाइए या फिर वैसलीन लगाइए जिससे स्मूथ रहे। ठीक है, अब रोलर के ऊपर एक कैप लगता है ये वाला, इसको लगाने के लिए इसमें जो वायर है देखिए सामने मोटर का वायर है, उसको हमेशा ऊपर रखिए, वो रहेगा तो ये बैठेगा नहीं अच्छे से, अपनी जगह पे नहीं आएगा। और कैरेज को इधर उधर कर दीजिए, और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो रोलर का शाफ्ट है लेफ़्ट साइड का, वो उसके होल में जैसे बैठ रहा है नहीं। और फिर यहाँ पे देखिए दो बने हुए हैं, देख रहे हैं ना लॉक, वो दोनों होल से आते हैं और राइट में चले जाते हैं, फिर वो स्क्रू अपनी जगह पर आ जाता है और उसका होल दिखने लगता है। अब यहाँ पर एक स्प्रिंग लगानी है जो कि पेपर सेंसर की स्प्रिंग है, छोटी सी स्प्रिंग होती है, मान लीजिए नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, जैसे कि 380 वगैरह में होता था, बट स्प्रिंग रहेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कंटिन्यू पेपर पिकअप में आपका ब्लैंक पेपर नहीं आएगा, स्प्रिंग मोस्टली उसी टाइम पे प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज वो सेंसर अपने आप जगह पे आ जाता है, वैसा उसका बनावट ही है। तो निकालने के लिए भी सेम एज इट इज़ ही करना है, जैसे मैं स्प्रिंग निकाल रहा हूँ या फिर वो कैप निकाल रहा हूँ, सेम वैसे ही। कैप में एक लॉक होता है, हल्का सा उसको अपने सामने की तरफ पुश करना रहता है, और फिर इसको लेफ़्ट साइड में ऐसे लेफ़्ट साइड में हल्का सा धक्का देंगे ना, तुरंत ही कैप बाहर आ जाएगा। और स्प्रिंग एकदम आसानी से लगा दीजिए, मान लीजिए कभी छूट गया तो ट्वीज़र से ही उठा लीजिए वहाँ से, लेकिन स्प्रिंग लगा देना ज़्यादा बेहतर है। तो रोलर का काम अभी आपका हो गया कंप्लीट, इतना ही टाइम लगता है रोलर बदलने के लिए। अब मैं थोड़ा आराम से दिखा देता हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता है। इसके लेफ़्ट पैनल को हम लोग लगाएंगे, लेफ़्ट पैनल में दो लॉक होते हैं, ऐसे उठा के और हल्का सा अंदर की तरफ दबा के सीधा करेंगे, ऊपर बैठ जाएगा। उसके बाद में ऊपर के पैनल को हम लोग लगाएंगे जो कि स्कैनर यूनिट है। स्कैनर यूनिट में दो लॉक है होल टाइप के बने हुए, जो कि नीचे वाले जो दो लॉक है स्टैंड में, उसमें से जैसे राइट में ऐसे स्लाइड करेंगे ना, तो दोनों होल के अंदर से फिक्स हो जाएंगे, दोनों बैठ जाएंगे, अप डाउन होते हैं। और इसका एक मान लीजिए कि ज़्यादा मत उठाइएगा, आधे से ज़्यादा, नहीं तो टूट जाता है राइट वाला हमेशा, तो वो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी ये खोलिए आप तो उतना ही ऊपर तक लीजिए जितना कि मतलब ज़्यादा प्रेशर ना लगे, नहीं तो टूट जाएगा लॉक, फिर बाद में राइट साइड में बैठेगा नहीं प्रॉपर। केबल लगाने के टाइम पे हमेशा आपको ध्यान देना है, मैंने बताया था कि पिन वगैरह अगर मुड़ गई है ऐसा निकालिए या फिर ऐसा फिक्स कीजिए उसमें कि केबल का जो पॉइंट्स है ना एकदम सेफ बचा रहे, अगर मुड़ जाता है तो फिर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी। अगर आपने प्रिंटर खोला और कुछ दिक्कत आ गई तो 100% आप यही जानिए कि इसमें कुछ तो दिक्कत हुआ है, स्कैनर वगैरह अगर रेडी नहीं हो रहा है तो खर 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 की आवाज़ आती है, फिर बाद में रेड लाइट जल जाती है और कंप्यूटर से प्रिंटिंग चालू, इसका मतलब यही हो गया कि आपका केबल प्रॉपर काम नहीं कर रहा, या तो प्रॉपर कनेक्ट नहीं है या फिर उसके पॉइंट्स है ना ख़राब हो गए हैं। इतना होने के बाद में ये ट्रे अगर आप लगा के भी चेक कर सकते हैं, विदाउट भी कर सकते हैं। ट्रे निकालने के लिए जैसे दोनों साइड से है ना ऐसे बीच में ऐसे हल्का सा बैंड करेंगे और अपनी तरफ खींच लेंगे, निकल जाएगा, उसमें तीन लॉक होता है सामने की तरफ, और सामने के दो स्क्रू हमेशा लगाइए, क्योंकि कोई भी है ना प्रिंटर ऐसे ओपन कर देता है तो ऐसे ओपन टाइप में रहेगा तो फिर कुछ नुकसान भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी इसमें कोई पार्ट वगैरह गिर जाए या फिर कुछ और गिर जाए तो पेपर जैम वगैरह की दिक्कत आ सकती है। अब बारी आती है चेक करने की, तो चेक करने के लिए प्रिंटर को मैं दूसरी जगह ले गया हूँ, लाइट चली गई थी उस टाइम पे। फोटोकॉपी का बटन प्रेस करते हैं, पहली बार या दो तीन पेज है ना ऐसे अटकेगा, क्योंकि रोलर पे है ना पाउडर टाइप का कुछ तो लगा रहता है जो कि ग्रिपिंग नहीं करता है, तो परेशान मत होइए कि अरे यार रोलर बदल दिए लेकिन काम नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है,
चार पांच पेज निकालेंगे या 10 पेज निकालेंगे ना, वो अपने आप सही हो जाएगा और फर्स्ट क्लास चलने लगेगा। रूलर हमेशा अच्छी क्वालिटी का लीजिए, जिससे काफ़ी दिन तक आपको बिना पेपर जाम के प्रॉब्लम के प्रिंटर चलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।